चाहती हैं कि जो भी ऐसा किया है उस पर कार्रवाई हो। क्या कहेंगे? सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए उसको। सजा मिलना चाहिए। सुई देना था नेडल के द्वारा, नहीं तो कमर में देना था, नहीं तो जो स्लाइन चढ़ता है ना पानी उसमें देना था। पर ये नर्स क्या की ना, डायरेक्ट दे दी यहाँ हाथ में। अभी तो डॉक्टर का नाम हम नहीं याद आ रहा मुझे, नाइट वाले डॉक्टर थे वो डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। जब ऐसा हाल है, पेशेंट का हाथ का कलर चेंज हो रहा, उनका फर्ज नहीं बनता कि एक बार अपना नींद छोड़कर आकर के देख ले? सोए हुए थे वो। जब धरती के भगवान बेशरम और बेहाया हो जाए तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। हम जिस घर में मौजूद हैं वहाँ रेखा रहती हैं। रेखा के भी कुछ सपने थे, कुछ बनने की चाहत थी, कुछ उड़ाने थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही के वजह से, या कहिए कि दरिंदे डॉक्टर के वजह से एक बड़ी घटना हुई और रेखा का सब कुछ लूट गया। लेकिन रेखा के जो परिवार के लोग हैं, जो भाई बहन हैं, उसे आप हिम्मत वाला कह सकते हैं, काफ़ी उनके साथ हैं। और जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए, ये वही अस्पताल है जो लोगों को जीवित करने का दावा करता है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाता है, लेकिन धरती के भगवान ने जिस प्रकार से हरकत दिखाई है, हिमाकत दिखाई है। रेखा के कान में दर्द था और इलाज कराने के लिए ये अस्पताल गई थी, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ के नर्स और डॉक्टरों ने हिमाकत की लापरवाही दिखाई, जिसके वजह से रेखा का एक हाथ काट दिया गया। और इस पूरे मामले को लेके कई दिन बीत चुके हैं और ये परिवार आज भी इस आस में है कि रेखा को इंसाफ मिलेगा। इस पूरे मामले को लेके भले ही प्रशासन की ओर से जांच की बात की जा रही हो, रेखा की उम्र की बात कर ली जाए तो तकरीबन 20 से 21 साल है। रेखा की नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन जिस हाथ में मेहंदी लगनी चाहिए थी वो मेहंदी नहीं लग पाई, शादी टूट भी गई। लेकिन हमारा भी दावा है कि रेखा को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जो इस घटना में, इस वारदात में जिन्होंने पूरी तरह से लापरवाही दिखाई है, जब तक वो लाल घर नहीं पहुंचेंगे, जब तक जेल नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस आवाज़ को, रेखा की आवाज़ बनते रहेंगे। हमारे साथ उनकी बहन है, रोशनी जी हैं। रोशनी जी, क्या घटना हुई थी? और ये कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बड़ी लापरवाही क्या हुआ था उस दिन? उस दिन जो नाइट वाले डॉक्टर थे ना, अगर वो एक क्या बार हुआ था आपकी बहन की को दिक्कत क्या था? कान बहता था, ठीक है, तो डॉक्टर बोले कि कान में कुछ इश्यू है, उसके कारण ऑपरेशन कराना जरूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन बढ़ते जाएगा कान का। तो कोई बड़ी बड़ा रोग नहीं, ये एक महीने में रिकवर हो जाती है। ये किस अस्पताल गई थी आप? महावीर आरोग्य स्थान, जो चिड़ियाटालपुर के, हाँ वो उसमें गए थे। उसका सोचे कि कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा, ये सोच कर गए थे हम लोग, पर हमको नहीं पता था कि कम पैसे के चक्कर में आज हाथ गंवाना पड़ जाएगा। इलाज कराने गई तो क्या बोले वहाँ के डॉक्टर? कौन डॉक्टर थे और नर्स कौन थी, किनका यूनिट था उस समय? जी जी, कान का ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हुआ। 10 तारीख को हम लोग वहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए थे ऑपरेशन के लिए, पर 10 तारीख को एडमिट किया गया और 11 तारीख को कान का ऑपरेशन हुआ। कान का ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन 12 तारीख के रात में जो नर्स इंजेक्शन लगाती है, उसके कारण हाथ में पूरा पेन बढ़ने लगता है, और पेन बढ़ते बढ़ते हाथ का कलर भी चेंज होने लगता है। फिर हम लोग नाइट चीज़ का सुई दी थी या नर्स दी थी? हाँ, नर्स दी थी। अच्छा, क्या नाम था उसका? नर्स का नाम सुनने में आया है कि पिंकी है, बयान में तो हम सुने कि पिंकी नाम है। वो नर्स थी जो पिंकी नाम है, और उसको हम लोग बोले कि हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है, डॉक्टर जो ऑपरेशन किए उनको फ़ोन लगाओ। तो वो बोली कि उनसे बात किए हम फ़ोन करके, वो डॉक्टर बोले हैं कि दर्द का इंजेक्शन लगा दो, हो सकता है कि कभी कभी दवा जो है काम नहीं करता। किस चीज़ की ये सुई? इविल। ये सुई क्यों दिया गया था, कारण दर्द का कि क्या? हाँ, इन्फेक्शन जो कलर चेंज हो रहा है ना, तो वो बोली कि कभी कभी दवा सूट नहीं दिया गया था,
वो सुई किस लिए दिया गया? दर्द के लिए, क्योंकि कान में, कान का ऑपरेशन मतलब कोई भी ऑपरेशन करवाने के बाद तो दर्द तो होता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा दर्द होता है कोई भी ऑपरेशन कराई तो। चाहिए था कहाँ पे गलती हो गई? सुई देना था नेडल के द्वारा, नहीं तो कमर में देना था, नहीं तो जो सलाइन चढ़ता है ना पानी उसमें देना था। पर ये नर्स क्या की ना, डायरेक्ट दे दी यहाँ हाथ में, उस कारण से ऐसा हो गया। फिर ये लोग गलती करके भाग गया? जी भागे नहीं, मतलब रात भर तो एक नर्स तो बदतमीजी से बात की, नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि कलर चेंज हो रहा है। एक बार तस्वीर दिखाना चाहेंगे अजय जी? दिखाइए किस प्रकार से रेखा है, हम चाहते हैं इनको इंसाफ मिले। किस प्रकार से डॉक्टरों और नर्स के लापरवाही के वजह से काफ़ी दर्दनाक घटना है, कहा जा सकता है बार बार बेहोश हो जा रही है, और इनका आज जो परिवार है वो काफ़ी दर्द तकलीफ में है, लगातार इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रहा है। और सीधे तौर पे देखिए बेहोश होने की वजह से फिर पानी दिया गया, रेखा की शादी भी होने वाली थी। अच्छा, अब इस पूरे मामले को लेकर आवेदन दिया है आपने? जी आवेदन दिया है। हाँ, कंकरबाग थाना में तो कोई। अच्छा, फिर इसको मतलब कलर चेंज होने लगा हाथ का, तो फिर क्या? उसके बाद नाइट वाले डॉक्टर को बोले कि एक बार चलकर देख लीजिए सर, हाथ का कलर क्यों चेंज हो रहा है। कौन था ये डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर का नाम हम नहीं याद आ रहा मुझे, नाइट वाले डॉक्टर थे वो डॉक्टर एक बार भी देखने नहीं आए। जब ऐसा हाल है पेशेंट का, हाथ का कलर चेंज हो रहा है, उनका फर्ज नहीं बनता कि एक बार अपना नींद छोड़ कर आकर के देख ले? सोए हुए थे वो, एसी वाला रूम था उनका, उनके रूम में एसी लगा हुआ था और वो सोए हुए थे। और जिस रूम में मेरी बहन थी उस रूम का तो पंखा बस नाम का डोल रहा था, इतना गर्मी लग। जिस पेशेंट का आप कान का ऑपरेशन कर रहे हैं आप उसे ऐसे रूम में रख रहे हैं जिसमें इतना गर्मी है। कितने घंटों में हाथ का कलर चेंज हुआ? 5 मिनट में तो दर्द होना शुरू हो गया और कलर 10 मिनट में चेंज होना शुरू हो गया। उसके बाद रात भर ये तो चला ही, दर्द में पूरा छटपट की, हम लोग भी 10 बार डॉक्टर के पास दौड़ के गए, चलिए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, वो लोग नहीं आए देखने के लिए। ऐसा ही करते करते सुबह हो गया। उसके बाद 10 बजे हॉस्पिटल के डॉक्टर को बोलने गए हम लोग कि ऐसा ऐसा बात है, वो पूरे टीम के साथ आए देखने के लिए। और देखने के बाद अपने डॉक्टर को ऑर्डर किए कि कुछ करो क्योंकि हाथ का कलर चेंज हो रहा है, वो भी बोले उनको। उसके बाद इसको ऑपरेशन रूम में ले जाया गया, पूरा दिन रखा गया ऑपरेशन रूम में, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट किए अब वो जाने, क्योंकि हम लोग को बाहर ही बैठाया गया था। उसके बाद 4 बजे हम लोग को IGMS भेज दिया गया कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ICU रूम है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो अच्छा से इलाज कर सकते हैं, यहाँ पे इलाज नहीं होगा। तो फिर हम लोग IGMS गए, वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि ऐसा कोई कॉल गया ही नहीं है उन लोग के पास। झूठ मूठ का IGMS भी दौड़ा दिए। और वहाँ IGMS पहुँचे तो वहाँ पे जाने के बाद पता चल रहा है कि फ़ोन आया ही नहीं है। फिर वहाँ पे जो रूल था ना IGMS का कि पहले पर्ची जमा करो, बनाओ, उसके बाद आइए, दर से छटपट कर रही थी, रोड पे इसको बैठा दिए हम लोग। वो गर्मी ना कहिए, कितना गर्मी है अभी। उसके बाद पर्ची कटवाए तो एक सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि महावीर आयोग अस्पताल जो था अपना पल्ला झाड़ के IGMS भेज दिया। जी जी, वहाँ भी डॉक्टर देखे तो वो डॉक्टर देखते ही बोले कि हाथ काटना होगा क्योंकि हाथ पूरा सड़ चुका है। फिर हम लोग आरोही गए। आरोही में कुछ जाँच हुआ, उसी के जस्ट बगल में है वो हॉस्पिटल, हाँ प्राइवेट है वो। वहाँ डॉक्टर बोले कि हमसे नहीं होगा, तुम मदानता जाओ, वहाँ पे बहुत ऐसे डॉक्टर। PMCH लास्ट में गए थे हम, वो भी हम आपको बताते हैं PMCH लास्ट में कैसे गए। तो हम लोग PMCH दिल्ली एम्स में आने से बाद आए, दिल्ली से आने के बाद PMCH आए। दिल्ली कब चली? दिल्ली हम गए 21 की 22 को गए थे। मतलब इसी हाथ को लेकर दिल्ली भी गए? हाँ, क्योंकि मदनता में नस का ऑपरेशन करवाए थे हम, नस का सर्जरी सब करवाए, 6 दिन बाद रिजल्ट। तो IGMS के बाद दिल्ली? नहीं, बताते हम आपको। फिर मदनता में, फिर वो आरोही, हाँ हाँ, पटना वाला जो है, जो कंकरबाग में है, उसी दिन 13 तारीख को ही रात में वहाँ पहुँचे तो मदनता वाले भर्ती ले लिए। वो बोले कि चांस तो कम है हाथ बचाने का, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। रहा हाथ का ऑपरेशन चला, नस का ऑपरेशन चला, सर्जरी चला, वहाँ के डॉक्टर ये ओपन करके छोड़ दिए, इतना दूर ऑपरेशन करके ओपन करके छोड़ दिए यहाँ पे, और यहाँ पे कट जो होता है ना वो लगा कर छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि अंदर में क्या मूवमेंट हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो तो टांका लगाने के बाद पता नहीं चलता, इसलिए वो खोल कर छोड़ दिए कि पता चले। 8वां दिन हम लोग ड्रेसिंग के लिए जब गए तो जो अंदर का जो होता है ना, मसल्स वगैरह जो भी होता है, वो सब नस वगैरह सब काला पड़ चुका था, जैसे होता नहीं जहर फैल जाना,
उस टाइप का जहर फैल गया था पूरे हाथ में और ये पूरे बॉडी में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। तो वो लोग बोले कि जितना लेट करोगी ना उतना इसके लिए डेंजर है, मदनता वाले बोले। फिर भी हम लोग एक आस और उम्मीद था कि दिल्ली एम्स के बारे में बहुत सुने, एक बार वहाँ भी चलकर देख लेते हैं। पहले इसको घर पे छोड़े क्योंकि हमारे पास पैसा, जहाँ तक कि आप लोग को पता है कि मदनता हॉस्पिटल कितना बड़ा है, वहाँ तो पैसा बहुत लगा हम लोग का। फिर हम लोग हाँ पटना मदनता जो कंकर बाग में है, उसके बाद हम लोग इसको घर पे छोड़े आरोही हॉस्पिटल गए। तो वो हॉस्पिटल वाले बोले कि आप जो बिल आया है वो बिल हमें दे दीजिए, वो पैसा हम आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देंगे। हम बोले कि सर हमें दिल्ली निकलना है तो हम क्या करें। तो वो बोले कि हमारे बड़े सर जो है कुणाल सर, वो पैसा पे साइन करेंगे, उसके बाद ही तो हम आपको पैसा भेजेंगे ना, फॉर्म पे साइन करेंगे। तो हम बोले ठीक है, हम सीधा कुणाल सर के पास ही जाते हैं। फिर हम लोग मंदिर कुणाल किशोर जो महावीर मंदिर में बैठते हैं हाँ उनके पास फिर गए। तो वो सर बोले कि हमारे स्टाफ से तो गलती हुआ है लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो फिर उन्होंने फ्लाइट का टिकट करवाया, 10,000 रुपया भेजा और बोले कि हॉस्पिटल में फॉर्म जमा किए, वो पैसा तुम्हें भेज दिया जाएगा, तुम दिल्ली बढ़ो। तो फिर हम लोग सुबह आस में कि मतलब बहन ठीक हो जाएगी इसके लिए दिल्ली भी गए, आस में हम कहाँ कहाँ गए हैं वो सुनिएगा तो आप ही बोलिएगा कि कहाँ कहाँ नहीं भटकी। एक आस था कि हाथ, हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हाथ काटना पड़ेगा, हमको तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि हाथ कट गया। कुछ दिल्ली एम्स भी पहुँचे तो वहाँ पूरा दिन जो रूल है दिल्ली एम्स बहुत बड़ा है, बस हम गए थे और ये और मेरा छोटा वाला भाई इनको लेकर गए थे कि उसी हाथ को लेकर गए थे, कवर किए एयरपोर्ट पे गए। वहाँ पे एयरपोर्ट पे लोग पूछे कि ऐसा क्या हो गया एयरपोर्ट के लोग, हम बोले कि ऐसा ऐसा बात है। एयरपोर्ट पे भी लोग कह रहे थे कि उन्हें सज़ा मिलना चाहिए, जो एयरपोर्ट पे पुलिस थे जो जांच करने वाले थे चेक करने वाले थे वो सब बोले कि सज़ा मिलना चाहिए पटना एयरपोर्ट पे। फिर हम लोग दिल्ली पहुँचे सुबह में, 10 बजे तक दिल्ली पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद पूरा दिन लाइन में लगे, दिल्ली एम्स नहीं देखे क्योंकि बहुत भीड़ था वहाँ इमरजेंसी वाले में। फिर रात में भाई को लाइन लगाए तो सुबह शाम का आया, 24 घंटा बाद समझिए तो नंबर आया हमारा। शाम में डॉक्टर देखे तो बोले कि हाथ काटना होगा क्योंकि इसके अलावा आप लेट कर दी हैं आने में, जिस समय इंजेक्शन पड़ा था उसी के 3 घंटा के अंदर अंदर अगर आप आ जाती तो शायद हाथ अभी बच जाता, लेकिन 3 घंटा तो छोड़िए यहाँ 10 दिन बीत गया। आप लेके आए पटना? जी पटना लेकर आए हम। फिर पटना नहीं नहीं वहाँ से गंगा राम हॉस्पिटल है वहाँ गए, प्राइवेट हॉस्पिटल है वो हाँ। वहाँ पहुँचने के बाद पता चला वो लोग भी बोले कि गंगा राम हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो भी फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ भी डॉक्टर बोले कि हाथ काटना होगा, बिना काटे कोई। फिर आप कहाँ आए? फिर हम लोग हाँ फिर हम लोग उनको फ़ोन किए कि हमारे पास पैसा नहीं है हम क्या करें, हॉस्पिटल वाले को हाँ तो हॉस्पिटल वाले को, तो हॉस्पिटल वाले महावीर आरोग्य संस्थान 1,00,000 कुछ रुपया उस समय वो लोग भेजे अकाउंट में, जो मदनता में खर्च हुआ था वो जो बिल दिए थे उसके अकॉर्डिंग वो 1,00,000 कुछ रुपया ट्रांसफ़र किए थे। फिर हम लोग पटना का टिकट करवाए, फिर हम लोग पटना पहुँचे। पटना पहुँचने के बाद हम लोग 2 दिन वेट कर लिए कि कहीं कोई भगवान का चमत्कार हो जाए, कभी कभी होता नहीं भगवान भी दुखी आदमी को देख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हाथ स्मेल करना शुरू हो गया तो फिर PMCH इमरजेंसी वाले में गए हम। तो वहाँ पे भी डॉक्टर बदतमीजी से बात की, बोली कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम इमरजेंसी वाले में आई हो, इमरजेंसी वाले में वही आते हैं जिसके सर पे चक्का चढ़ जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है, 10 बात बोलकर वहाँ से निकाल दिया गया कि कल OPD में आकर के दिखाइएगा। फिर कल OPD में पहुँचे तो तब तक हाथ पूरा स्मेल करना, आसपास लोग नहीं आ रहे थे, इतना ज़्यादा हाथ स्मेल कर रहा था। तो वहाँ से फिर इमरजेंसी वाले में हमें भेजा गया, जो OPD वाले डॉक्टर थे वो इमरजेंसी वाले में भेजे कि इमरजेंसी केस है आप जाइए, तो वो लिख कर दिए। तो वहाँ के इमरजेंसी वाले डॉक्टर देखे, जैसे ही देखे वो बोले कि हाथ काटना होगा, पूरा मांस गिर गया जो वो पट्टी हटाए तो बस हड्डी बचा हुआ था। उस समय कैसे हम अपने आप को संभाले वो हम नहीं कह सकते, ऐसे ही स्माइल लेकर के हम उस समय संभाले, इसको भी बोले कि सब कुछ ठीक है बस ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सड़ रहा है, मतलब झूठ ही बोले थे एक तरह से देखिए तो। नहीं वो लोग ऑपरेशन का तैयारी करवाने के बाद बोलते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, आपकी बहन को हम नहीं बचा पाएंगे,
उसके बाद ऑटो किए, एक परफ्यूम लिए, पूरा ऑटो में परफ्यूम छींटे, इसके हाथ में परफ्यूम छींटे, उसके बाद मदनता पहुँचे। मदनता वाले डॉक्टर बोले कि बचेंगी कैसे, नहीं ऑफकोर्स बचेंगी। मदनता वाले बोले, झूठ बोला कि आपकी बहन नहीं बच पाएगी। उसके बाद मदनता वाले डॉक्टर को हम भगवान बोले या क्या बोले, अब क्या जितना ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। हाँ, जो ऐसे लोग, सिर्फ एक सवाल रहेगा आपसे, ज्यादा हम आपसे नहीं बात करेंगे, चाहती हैं कि जो भी ऐसा किया है उस पे कार्रवाई हो, क्या कहेंगी? सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए उसको, सजा मिलना चाहिए। हमारे साथ है रोशनी जी हैं। रोशनी जी, एक चीज और है, अभी तक जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहाँ तक गया? अभी तक तो कहीं तक नहीं गए। आपसे संपर्क की है? नहीं, अभी तक नहीं किए। आप थाना गई हैं? हम थाना गए हैं, पेपर भी जमा किए हैं, वहाँ पे बोला गया कि बड़े बाबू आएंगे, वो पेपर देखेंगे, केस देखेंगे, तभी आगे का कार्रवाई होगा। आज लगभग 8-9 दिन होने जा रहा है। देखिए रेखा जी हैं, किस प्रकार से लगातार दूसरे के लापरवाही के वजह से आज इनका जीवन बर्बाद हो गया। शादी भी होने वाली थी जी, नवम्बर में शादी था। देखिए सीधे तौर पे रेखा जी हैं, ये भी किसी की बेटी बहन है। लगातार जिस प्रकार से महावीर आयोग अस्पताल ने जो लापरवाही दिखाई है और तमाम चीज़ों को आपको अवगत करा रहे थे, ये घटना नहीं कह सकते हैं, किसी पे बीता हुआ दुख है, तकलीफ़ है, भगवान ना करे ऐसी घटना किसी के साथ हो। और जिस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते और किस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में रह के नीतीश कुमार बिहार की बागडोर को संभालने का काम करते हैं, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे किस प्रकार से एक बेटी अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकती है, पटना से दिल्ली तक जाती है और हर एक दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, हर एक अस्पताल के दरवाजे से इन्हें भगा दिया जाता है। और आज भी इस उम्मीद में है कि जिन्होंने ऐसा काम किया उन पर कार्रवाई की जाए, उन्हें सजा दी जाए। और समझ सकते होंगे कि इस पूरे मामले को लेके थाना से अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, लेकिन कहा जा सकता है कि इनकी जो शादी होने वाली थी, जो सपने थे, वो भी टूट गए और अब इन्हें इस आस का इंतज़ार है कि सरकार कुछ ध्यान देगी और जो आरोपी डॉक्टर और नर्स होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। रोहित, NBC 24, पटना।